अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये सलाम आपके लिए किया है मैंने, आप दोस्तों के लिए। आज आप देख रहे होंगे हम आए हुए हैं कब्रिस्तान में। ये असल किसी ने बनाया हो या नहीं बनाया हो ये भी लोग, लेकिन मैं बना रहा हूँ इसलिए कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी याद दिहानी है कि हमने आना यहीं पे ही है। ये आज हम आए हुए हैं अपने प्यारों के जो है ना कब्रों पे दुआ करने के लिए। तो सबसे अहम मामला जो है ना कब्रिस्तान में आते जाते जो भी आता है जाता है तो वो अक्सर दुआ पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूल। तो वो जो दुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, वो ज़ईफ़ है। तो दुआ और है वो आपको अभी कारी साहब बताएंगे, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि आपकी से गुजारिश है इनके लिए दुआ भी करें और हम दुआ भी करेंगे तो आपने साथ शरीक होना है हमारी दुआ में, दुआ करनी है इनके लिए। तो ये अब कारी साहब हमारे बताएंगे कि दुआ इनके लिए क्या करनी चाहिए जब हम कब्रिस्तान में आते हैं या वहाँ से गुजरते हैं, तो कब्रिस्तान वालों के लिए क्या दुआ करनी चाहिए। आ जाओ कारी साहब, बताओ ज़रा दुआ। अस्सलाम वालेकुम कब्रिस्तान आने वाली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्रिस्तान आता है तो ये दुआ पढ़ता है कि अस्सलामु अलैकुम अहलत दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना इन्ना इंशाअल्लाहु लकुम लाहिकून नसलल्लाहु लना व इन्ना लला हाफिज़ून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा कब्रिस्तान दे कोलों दी गुजरदा है जां कब्रिस्तान आंदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा ये दुआ पढ़दा कि अल्लाह पाक उस कब्रिस्तान वालियां दियां केड़ा बंदा आन के दुआ करदा कि असा लोग भी इस कब्र दे अंदर असी भी आ जाएंगे और दुनिया वाले देखते ने कि यार फलां शख ने ऐसा काम किया, फलां शख ने ऐसा काम किया। और ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा कब्रिस्तान नू याद करदा कब्र नू याद करदा कि अल्लाह पाक फिर उनके वास्ते जन्नत के अंदर एक बाग तैयार कर देंगे कि बाग ऐसा कि बाग वो है कि जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के अल्लाह नू याद करता है और जिक्र जुकार करता है, कब्र नू याद करता है और आखरत नू याद करता है, मौत नू याद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखना, हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखना। कि जेड़ा बंदा मौत नू याद करता है ना कि मौत नू याद करना एक टल फैसला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू यही तलकीन की है कि जेड़ा बंदा मौत नू याद करता है और मौत नू याद करदा करदा दुनिया फानी छोड़ के चला जाता है अल्लाह पाक उनके वास्ते जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर देंगे, जन्नत के अंदर एक कोठी तैयार कर देंगे ने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जेड़े दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह पाक इन्हां दे जन्नत के अंदर महल तैयार करन, अल्लाह पाक इन्हां नू जन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा आला मुकाम देन। और दुआ करने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़े भी दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह पाक इन्हां नू जन्नत के अंदर एक ऐसा महल देन कि जिन इनकी कब्र ठंडी हो जाए और कब्र के अंदर इनू अजाब ना होए, जन्नत के अंदर इनू अल्लाह पाक एक ऐसी कोठी दे देन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووصله بالماء والسلج والبرد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وإذ عذاب القبر ومن عذاب النار اللہ جتنے بھی لوگ مسلمان بھائی فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی قبراں نوں معاف فرما اے اللہ جتنے بھی لوگ بھائی اللہ جتنے بھی دنیا تو جا چکے نے اے اللہ مسلمان بھائی اے اللہ عدنان بھائی اللہ انہاں دی قبر نو اللہ جنت باغ بنا اے اللہ چاچا جی نصر اللہ نو اللہ انہاں دی قبر نو جنت باغ بنا اے اللہ جتنے بھی لوگ بھائی مسلمان فوت ہو چکے نے اے اللہ انہاں نو معاف کر دے اے اللہ انہاں دی قبر نو معاف کر دے اے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ سونیا انہاں دی قبراں نو جنت باغ بنا صلی اللہ تعالی علی خلق محمد و علی آلہ و اصحاب السلام علیکم جی یہ میرے دادا بھجی ہیں یہ میری دادی اماں اور یہ میرے چچا جان ہیں جو اللہ کے یہاں جا چکے ہیں ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے اب ان کے لیے دعا کریں گے جی بھائی کے لیے بھی کیا ہے چلو کر سب دعا کرو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سنیا انہاں چاراں قبر والیاں نوں معاف فرما اے اللہ سنیا تو انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنا اے اللہ اللہ انہاں نوں معاف فرما اے اللہ سنیا انہاں دی والدہ نوں انہاں دی کار والی نوں اللہ معاف فرما اے اللہ نصر اللہ خان نوں اے اللہ ان دی قبر نوں جنت دے باغ بنا اے اللہ عدنان دی قبر نوں اللہ جنت دے باغ بنا اے اللہ سنیا انہاں دی غلطیاں نوں معاف فرما اے اللہ سنیا تو انہاں نوں معاف کر کے جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما اے اللہ سنیا
इन्हां दीआं गलतियां नूं माफ़ फरमा। अल्लाह सुनिया जितनियां भी गलतियां दुनिया ते होईआं ने, अल्लाह इन्हां दीआं गलतियां नूं माफ़ करके, अल्लाह तू माफ़ फरमा करके जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह सुनिया तू माफ़ कर दे, अल्लाह तू माफ़ कर दे, अल्लाह बहुत खताकार सी, अल्लाह गुनहगार सी, अल्लाह उन्हां दीआं गलतियां नूं अल्लाह तू अपनी रहमत दे नाल माफ करके, अल्लाह तू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह कब्र दे अज़ाब तो महफूज फरमा, अल्लाह कब्र दे अज़ाब तो महफूज फरमा। अल्लाह सुनिया कब्र दा बहुत अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह कब्र दा अज़ाब टाल दे। अल्लाह सुनिया उन्होंने कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना दे, अल्लाह सुनिया तू जन्नत दे बाग बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खल्क मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अर्रहमान रहीम। जी हमारे बहन भाई सब, दुआ आपने सुनी, तो आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, इस फानी दुनिया को छोड़ जाएंगे, ये तो हर बंदा चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो वो जानता ही है कि इस दुनिया को छोड़ के जाना ही जाना है। तो ये सदका जारिया एक बन जाता है। आज मैं अगर किसी के लिए दुआ कर रहा हूँ तो कल जब मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से तो मेरे लिए भी कल कोई दुआ करेगा। तो आप यहाँ नहीं आ सकते तो यहाँ जो है ना ये हमने दुआ की है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं, ज़रूर हमारे वीडियो को देखें, हमारे व्लॉग को। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी इस दुआ में शामिल हो सकें, ताकि उनको जो है ना ख्याल आ सके, कोई अल्लाह का खौफ ही आ जाए कि यार हमने भी यहाँ पर आना है, एक दिन जो है ना हम भी इसी मिट्टी के नीचे होंगे। मन कितने टन मिट्टी है जो उसके नीचे इंसान दब जाता है, ठीक है। अल्लाह चाहे तो उसकी कब्र को जो है ना रोशन जन्नत का बाग बना दे, अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो इंसान के जो अमाल होते हैं वो उन्हीं का वो नतीजा होता है वहाँ पे। तो अगर कोई गुनहगार भी होता है तो ये ऊपर दुआ करने से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। ओके जी दोस्तों, ये सब जो है ना हमारे दोस्त बहन भाई, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए ख़ैर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।